महिला ने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें बार बार आपका नाम आ रहा है, कि क्या मामला है? ये मामला ये है कि मेरा नाम है सुनील चौधरी और भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के नाम से मेरा संगठन है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन चलता है। 13 महीना गाजीपुर बॉर्डर पर मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी है, मैंने धूप ताप सर्दी सब झेली है। तो इस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं जी। जब इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है, तो ये जाहिर सी बात है, जब पारिवारिक संबंध होते हैं तो आदमी के साथ कोई घटना होती है तो आदमी जाता है वहाँ। तो मैंने ये सारी इंक्वायरी जब करी कि ये घटना कैसे हुई आपके साथ, तो बहुत बड़े साक्ष्य और सबूत निकल के आई। माला नाम की जो लड़की है, ये अपने आप को कहती है कि मैं सुमित की पत्नी हूँ, मैंने 5 साल पहले गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज की है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। ये माला नाम की लड़की अगर है कहाँ की? ये रहने वाली मुझे लगता है शायद अलीगढ़ की है, और जिस तरीका से कोर्ट में रजिस्ट्रेशन शादी हुई है वो बिल्कुल सही है, शादी जायज है, लेकिन आज तक इस परिवार को पता नहीं है कि सुमित की और माला की शादी हो चुकी है, क्योंकि 5 साल के अंदर वो कभी यहाँ नहीं आई। हमेशा सुमित को वो ठगती रही है, सुमित पर प्रेशर बनाती रही है, कभी 40,000 कभी 50,000 कभी 20,000 कभी 25,000 रुपये डलवाती रही है। सुमित वहाँ पढ़ता था, एक पार्टी फंक्शन में गया था सुमित जी, जिस तरीका से मुझे पता लगा है। तो वहाँ बच्चों में जब आपस में डांस हो रहा था तो ये लड़की भी वहाँ थी, इसकी वीडियो बना ली और नाचने में थोड़ा टच हो गए होंगे, तो उसको धमकाया लड़की ने, कहा कि हम 354 का तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा लिखा देंगे। तो वो लड़का इतना प्रेशर में आ गया कि इसके साथ उसने शादी कर ली, और शादी जब हुई तो सिर्फ लड़का और लड़की थे, कोई तीसरा आदमी वहाँ मौके पर नहीं था। ऑनलाइन इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया कोर्ट में। ये सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, और सब चीज़ का जब हमें पता लगा तो हमने, और उसी के बीच में 3-4 इन्होंने दलाल लगाए, जिसमें मैं स्वयं नोएडा गया था इस परिवार के साथ। तो वहाँ पर एक कोई बीके सैनी है, खुर्जा में रहता है लेकिन रहने वाला सासरी गेट अलीगढ़ का है, उसने बताया कि 55 लाख रुपए की डिमांड उसने हमसे करी, 50 लाख रुपए माला मांग रही है, 5 लाख रुपए हमें चाहिए। तो हमने वहाँ इस परिवार को बहुत सुरक्षित तरीके से निकाला। इस परिवार का अपहरण करने के चक्कर में थे वो लोग, बहुत काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए सूरजपुर में, लेकिन वहाँ मेरे भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी और नोएडा के जिलाध्यक्ष, गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष, गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष, काफ़ी संख्या में लोग आ गए, तो उनकी मदद से इस परिवार को हमने वहाँ से बचाया। मेरा नाम बार बार इसलिए आ रहा है कि माला भी एक बेटी है किसी न किसी के, मेरे पे भी 2 बेटियाँ हैं। मैं ये नहीं चाहता कि माला का अहित होना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है, मैं प्रशासन से, जनपद अलीगढ़ के प्रशासन से ये चाहता हूँ और ये मांग करता हूँ कि एक्चुअली जो सच्चाई है उसकी जाँच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस माला के साथ में कुछ दलाल टाइप की जो महिला लग रही हैं उसको ये बगला रही हैं, जैसे एक सीमा यादव है जिसका हस्बैंड PWD में है, सरकारी नौकर है, और उसका पूरे दिन यही काम है कि वो सिर्फ फ्रॉड पड़े के काम करती है, यहाँ और वहाँ घूमना और कैसे भी दलाली करना। इस परिवार के साथ भी 3-4 दिन लगातार यहाँ आके इनके घर पर दबाव बनाया है। तो अब जाहिर सी बात है, जब पारिवारिक संबंध होते हैं, किस तरह का दबाव बनाया है? दबाव बना रही है पैसे के लिए। अच्छा, पैसे की मांग कर रही है। इस परिवार से पैसे के लिए मांग कर रही है, चूंकि उन्हें ये पता है कि ये परिवार खाता पीता परिवार है, बिजनेसमैन परिवार है, सिर्फ पैसे के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। कोई न किसी की पत्नी है, न कोई किसी का पति, सिर्फ पैसे को लेके। अगर एक महिला पत्नी के रूप में रहना चाहती है तो क्या अपने पति को हाथ पर जहर रख के ये दिखाएगी कि मैं मर रही हूँ, मुझे सुसाइड कर रही हूँ, 1 लाख रुपये मेरे खाते में डाल? जब जब लड़का को टॉर्चर किया है तब तब उसने पैसे डाले लड़का ने। और एक कमलेश यादव हैं, एक वीरेंद्र सिंह हैं, जिस तरीका से आज मैं महिला मोर्चा, वो महिला थाने भी गया था मैं, क्योंकि मेरे नाम से भी एप्लीकेशन दी गई है कि सुनील चौधरी ने हमें धमकाया था, जबकि मेरे सामने जो वार्ता हुई थी मैं मौजूद था उसमें, मैंने माला से ये कहा अगर बेटी तुम्हारे साथ ये घटना हुई है तो आप कानूनी कार्रवाई करिए, जो आपके साक्ष्य आपके पास हैं आप थाने में दीजिए, पुलिस उसमें विवेचना करेगी, अगर ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और आप दोषी हो तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है कि उसको हम धमकाएं, क्योंकि हम भी बेटी वाले हैं और वो भी किसी की बेटी है। दूसरी बात, जब ये वार्ता जब मेरी हुई है उनसे, तो महुआ खेरे की SI सुनीता वर्मा यहाँ मौजूद थी, 2 कॉन्स्टेबल महिला मौजूद थी, ऐसी कोई भड़काई बात नहीं हुई। उन्होंने ये गलत आरोप इसलिए लगाए गए कि ये हो सकता है कहीं ना कहीं ये भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी इस परिवार की मदद कर रहे हैं, अगर इनका हम इन्वॉल्व करेंगे तो ये हट जाएंगे। तो उनके दिमाग में गलत फहमी है, हम इस लड़ाई को एंड तक लड़ेंगे, अगर ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ भी लड़ेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे लड़का पक्ष के खिलाफ, और लड़की दोषी है तो लड़की के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। और वो ये दिमाग से निकाल दें कि भारतीय किसान यूनियन को झुका लेंगे, 1 से लाख तक भारतीय किसान यूनियन झुकने वाली नहीं है, देश का प्रधानमंत्री झुका दिया तो ये तो कौन से खेत के मूली हैं।
हम सच्चाई का साथ देंगे। अगर वाकई में वो माला सच्चाई के आधार पर चल रही है तो निश्चित रूप से हम माला का भी साथ देंगे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और हमारे भी आगे बेटी है। मैं नहीं चाहता किसी बेटी का आहित हो, लेकिन किसी के बेटा के साथ नाइंसाफी हो तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ और मांग करता हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच करके जो दोषी उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का काम करें, न्यायालय के ऊपर छोड़ें, फिर न्यायालय अपने आप जो निर्णय होगा वो करेगी। आपका मानना है कि शादी समारोह में डांस के समय इनका कुछ टच होगी थी, इस चक्कर में दबाव बनाकर शादी की है? पूरी तरीका से इसी तरीका से दबाव बना के। तो क्या सोची में कोई गवाह नहीं है, कोई तीसरा आदमी फोटो में भी नहीं है? क्या सोची सब्जी रणनीति के तहत पैसे भरने के लिए? क्या सोची सब्जी रणनीति है इसमें, और बहुत काफी दलाल हैं इसमें। ये गैंग है पूरा माला के साथ, खुर्जा से लेके नोएडा तक बहुत बड़ा गैंग है ये। जब हम नोएडा गए तो इस परिवार के अपहरण करने के लिए, दबाव बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो एडवोकेट है सीमा समृद्धि, उनका तक नाम लिया गया, जबकि वो इतनी बड़ी सीनियर एडवोकेट हैं। वो ऐसे छोटे मोटे केसों में क्या दलाली करेंगी? मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की जो ऐसे महान अधिवक्ता का नाम ऐसे केसों में घसीटा जा रहा है। क्या आपका मतलब उन दोनों शादी किए तो पति पत्नी के साथ रहना चाहिए? हाँ, पति पत्नी है, दोनों पति पत्नी के हिसाब से रहे, लेकिन लड़के में और उसमें नहीं बन रही है, तो परिवार को क्यों परेशान किया जा रहा है? जैसे बेटे की माँ बता रही है अकाउंट में बार बार पैसे डालना, प्लॉट लेना, बार पैसे लिए गए। 108 वर्ग गज का प्लॉट था, लड़के को दबाव में लेके जहर हथेली पर रख के हम जहर खा लेंगे, तेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे, तेरा कैरियर बर्बाद कर देंगे, 108 वर्ग गज का बैनामा करा लिया। दूसरी बात, मैं मानता हूँ पति पत्नी है, रजिस्ट्रेशन है कोर्ट का, तो वो पति पत्नी का मैटर है, इसमें परिवार का मैटर कहाँ से आया? सही बात भाई, परिवार को क्यों कंसीडर? सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि परिवार पर कोई भी बेटा या बहू दबाव नहीं बना सकते, बुजुर्गों का ये सख्त आदेश है। अगर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, बुजुर्ग चाहेंगे घर से बाहर खड़ा कर देंगे। लड़के को बेदखल संपत्ति से कर चुके हैं ये, कोई लड़के का ऐसा रोल नहीं है इसमें जो संपत्ति में उसका शेयर हो। अब रही माला की और लड़के की बात, तो ये दोनों ने क्या किया या क्या नहीं किया ये दोनों जाने, लेकिन इसमें प्रशासन से फिर भी मैं यही मांग करूंगा कि प्रशासन इसमें निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करें।